सो फ्लिपकार्ट की पीपीटी सेल और अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के अंदर इस बार आईफोन्स के ऊपर काफी ज्यादा धमाकेदार प्राइस ड्रॉप आने वाले हैं और इससे रिलेटेड अभी भी काफी सारे लोगों के डाउट हैं। ऑलरेडी हम एक Q&A वीडियो बना चुके हैं, लिंक आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफी सारे आंसर आपके ऑलरेडी उस वीडियो में मैं दे चुका हूँ, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आज मेरे पास है। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू VTube नेटवर्क। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी रहेगी तो लाइक जरूर कर देना। सो स्टार्ट करते हैं आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन ये है कि बीबीडी सेल कब आएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर हमें बीबीडी सेल और अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल दोनों देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफोन 12 के लिए कौन सा सेल बेस्ट है, बीबीडी या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। तो इस साल ज्यादा चांसेस है कि अमेज़न से ज्यादा फ्लिपकार्ट के ऊपर आईफोन 12 आएगा। सो लास्ट ईयर आईफोन 12 आया था अमेज़न के ऊपर, तो इस बार चांसेस ज्यादा है कि फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल के अंदर हमें आईफोन 12 के ऊपर डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफोन 12 प्राइस इन बीबीडी नॉन कार्ड ऑफर। तो वैसे तो मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ सारे आईफोन्स की प्राइसिंग के ऊपर कार्ड डिस्काउंट के साथ और बिना कार्ड डिस्काउंट के, लिंक सारी वीडियोस का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। फिर भी अगर आप यहाँ पे पूछ रहे हो तो लगभग 35-36,000 के आसपास आएगा बिना किसी कार्ड डिस्काउंट के आईफोन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्या बीबीडी या GIF सेल में स्टारलाइट कलर आसानी से मिल सकेगा आईफोन 13 का या फिर आईफोन 14 का। तो हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि स्टारलाइट कलर हो गया ना आईफोन 13 का, और ब्लू कलर जो होता है वो सबसे ज्यादा डिमांड में रहेगा और सारे लोग सबसे पहले उन्हीं कलर को परचेज करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे जल्दी स्टॉक आउट होने के उसके चांसेस होंगे। तो कोशिश करना, अगर ये वाला कलर ना मिल रहा हो तो कोई और कलर परचेज कर लो, बाद में बैक कवर लगा के यूज कर लेना। आईफोन तो आईफोन ही होगा, कलर उसका जो भी हो, बट हाँ स्टारलाइट कलर सबसे जल्दी स्टॉक आउट होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे सिंपल बॉय का, प्लीज रिप्लाई भाई, अगर आईफोन 13 ले किस्तों पर तो क्या बीबीडी सेल का ऑफर मिलेगा। सो जरूर, चाहे आपको EMI पे लेना हो चाहे आप फुल पेमेंट कर रहे हो, जो डिस्काउंट वहाँ पे ऑफर हो रहा होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 9/2/2021 का, आईफोन 13 अमेजोन सेल में लेना चाहिए या फ्लिपकार्ट सेल में लेना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है, जिस भी सेल के अंदर आएगा वहां पर ले लेना। वैसे यहाँ पे अमेजोन के ऊपर आने के ज्यादा चांसेस है क्योंकि लास्ट ईयर फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल में आया था, तो इस बार ज्यादा चांसेस है कि आपको अमेजोन की सेल में आईफोन 13 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गेट सेट SC4F का, आईफोन आएगा क्या 128GB प्राइस विदाउट बैंक ऑफर। तो आपने यहाँ पे आईफोन मेंशन किया, इससे मुझे समझ नहीं आ रहा, बट आईफोन 13 14 तो 128GB से स्टार्ट होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप आईफोन 11 या फिर 12 की बात कर रहे होगे। तो ऑलरेडी मैं इनके ऊपर वीडियोस बना चुका हूं, लिंक उन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मले गराई का, सॉरी अगर मैं यहाँ पे गलत प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। ब्रो मुझे बिग बिलियन डेज में फोन खरीदना है, 25,000 से 40,000 के अंदर बेस्ट कैमरा एंड परफॉर्मेंस फोन चाहिए, मैं ज्यादा गेमिंग नहीं करता हूँ और बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, प्लीज सजेस्ट मी, मुझे विवो ओप्पो मोटोरोला अपडेट नहीं मिलता, आईक्यू पिक्सल 6A 7A ये सब फोन छोड़ के बताना, मेरे फोन को 3 से 4 साल यूज करता हूँ, आप होते तो कौन सा लेते, मुझे तुम्हारा वीडियो बहुत अच्छा लगता है, सो थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन। बाकी अगर आपका 40,000 तक का भी बजट है तो आपको आईफोन 13 मिल सकता है 40,000 to 43,000 के आसपास, तो सबसे बेस्ट फोन तो वही रहेगा। लेकिन अगर आपका बजट उतने तक नहीं जा सकता तो 35,000 के आसपास भी आपको आईफोन 12 मिल जाएगा, और कैमराज जो है आईफोन 12 के 13 के दोनों की बेस्ट है, और जैसे कि आपने बताया 3 से 4 साल फोन को यूज करना है तो ये फोन एकदम बेस्ट रहेंगे। बाकी कोई भी एंड्रॉइड फोन आपका इतने साल तक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता जितना आपको कोई भी आईफोन दे देगा। बाकी आईफोन 12 वर्सेस 13 के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिटेल में देख लेना कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शिव रॉब 1 का, हेलो सर, सर मेरे को बीबीडी में प्रोटीन प्लस लेना है लेकिन स्टोरेज ज्यादा चाहिए, मुझे तो 128GB प्लस क्लाउड स्टोरेज लेना चाहिए या 256GB, प्लीज रिप्लाई सर। तो देखो, अगर आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए तो 256GB की तरफ आप जा सकते हो, क्लाउड स्टोरेज भी ले सकते हो, काफी सारे लोग लेते हैं, बट वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं रहता। 256GB जो है वो आप ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको आईफोन 14 प्लस 58,000 के आसपास मिलता है या 60 तक भी चला जाता है तो वो 65,000 के आसपास ही मिलेगा आपको, तो 5,000 और डाल के 256GB को परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शेख ओसामा 8942 का, भाई EMI ऑप्शन रहेगा क्या। सो हाँ, ऑफ कोर्स EMI ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, नो कॉस्ट EMI भी मिलता है और नॉर्मल EMI के ऑप्शंस भी आपको दोनों ही सेल में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे फैक्ट टेलर 4102 का, आईफोन 11 विल कम इन बीबीडी सेल एंड प्राइस। तो हाँ, इस बार की सेल के अंदर आईफोन 11 के आने के चांसेस थोड़े से 50-50 है, क्योंकि ऑलरेडी फोन जो है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, शायद यहाँ पे ना भी आए फोन, बट ये लास्ट बार होना चाहिए कि इस बार आपको सेल में आईफोन 11 देखने को मिले। तो आएगा प्राइस आपको 24-25,000 के आसपास मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम आ रहा है, भाई मैं आईफोन 11 बाय करूं क्या, मेरे को 4G फोन चलेगा, भाई आईफोन 11 प्राइस कितना रहेगा। तो हाँ, आप आईफोन 11 को परचेज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म पे मैं वीडियो बना चुका हूँ आईफोन 11 किसको परचेज करना चाहिए और किसको नहीं, उसमें बात यही आती है अगर आपको 5G नहीं चाहिए, 4G से काम चल जाता है तो आप आईफोन 11 को परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे शादा
आदाब खान 7513 का बीबीडी सेल स्टार्टिंग कब से होगी और आईफोन 12 128GB प्राइस? ऑलरेडी मैं आंसर कर चुका हूँ, अक्टूबर की फर्स्ट वीक के अंदर ये सेल आएगी और प्राइस भी 128GB का 38 से 39,000 के आसपास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिस्टर साइको का, आईफोन 13 प्राइस ब्रो, कैन गेमर्स बाय आईफोन 13? सो आईफोन 13 का प्राइस जो है ना 42 से लेके 43 से लेके 45,000 तक आएगा डे वन पे। बाकी गेमर्स बाय कर सकते हैं, जरूर बाय कर सकते हैं, काफी बढ़िया चिपसेट मिलती है आपको, A15 की वाली चिप है जो कि आपको लाजवाब परफॉर्मेंस देने वाली, कोई लैग्स नहीं मिलते आपको, काफी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। व्हाट इज द रीजन फॉर बैटरी हेल्थ ड्रेनिंग फास्ट, चार्जिंग टू मच और यूजिंग टू मच, प्लीज टेल ब्रो? दोनों ही है, अगर आप बहुत ज्यादा यूज करोगे तो फोन हीट होगा और बहुत ज्यादा यूज करने के बाद उसको बार बार चार्जिंग पे लगाओगे तो भी फोन की बैटरी जो है वो ड्रेन होगी और बैटरी हेल्थ भी ड्रॉप होगी। बाकी ऐसा नहीं है कि इस वजह से आपको फोन यूज ही नहीं करना, बट हाँ तरीका होता है कुछ चार्ज करने का भी, फोन हीट वगैरह ना हो रहा हो तो आप चार्जिंग पे लगाओ। बाकी बैटरी हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हैं वीडियो आपको इस पे भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हो डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, मिस्टर उत्तम 3807 का, इनका पहला क्वेश्चन, आईफोन 13 विद कार्ड ऑफर 38K में आएगा क्या? तो थोड़ा मुश्किल होगा 40,000 के नीचे, मिनिमम टू मिनिमम 40,000 आएगा, 42 से 43 बोल रहा हूँ मैं तो सारे कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद, बाकी आ जाए 38 में तो अच्छी बात है, बाकी चांसेस थोड़े कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफोन 14 कार्ड ऑफर 48K में आएगा क्या? जी बिल्कुल आएगा, डे वन के इधर 48,000 के आसपास आईफोन 14 आपको मिल सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनका, आईफोन 13 और आईफोन 14 में अराउंड 8K डिफरेंस होगा ना? तो हाँ लगभग 8,000 के आसपास ही आपको दोनों के अंदर डिफरेंस मिलेगा। तो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड पे ऑफर मिलेगा? सो फ्लिपकार्ट के ऊपर फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक, अमेजोन के ऊपर आपको SBI के कार्ड मिलेंगे, साथ में ICICI और HDFC जो है वो दोनों ही तरफ आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर किसके साथ वो कोलैब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों के ऑफर में कितना डिफरेंस होगा? तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलता है क्योंकि कैश बैक भी आता है उसके ऊपर, जैसे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के ऊपर होता है, तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे कितने का ऑफर आएगा? तो देखो पहले तो आपको जो नॉर्मल वहां पे डिस्काउंट ऑफर कर रहे होंगे वो कार्ड डिस्काउंट वो आपको मिलेगा, उसके बाद एक 5% का कैश बैक भी आता है, बट हाँ टोटल पहले एक आपको कार्ड डिस्काउंट मिलेगा जो कि होगा 15,000 से 2,000 का, उसके बाद आपको 2,500 से 3,000 के बीच में कैश बैक भी मिलता है फ्लिपकार्ट के एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम बिहार, एंड आई होप कि अब आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भानु जाट 6043 का, एक्सिस बैंक के साथ ICICI का कार्ड लगेगा फ्लिपकार्ट पे? तो दो कार्ड नहीं लगेंगे, एक ही कार्ड लगेगा एक टाइम पे, अगर आप ये पूछना चाह रहे हो तो, कि दो कार्ड एक टाइम पे आप नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गोल्डी 821 का, गूगल 6 से प्राइस ऑन बिग बिलियन डे सेल, तो इसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ, गूगल पिक्सल 6 से 7 ए नथिंग फोन की सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, बिग बिलियन डेज के अंदर आएगा, जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे रितु 7316 का, क्या बीबीडी सेल के बाद न्यू ईयर पर सेम डिस्काउंट आएगा? तो डिस्काउंट जरूर आएगा न्यू ईयर के टाइम पे भी, क्रिसमस के टाइम पे भी, बट जो फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल और अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के अंदर प्राइसिंग आती है वो दोबारा मैच नहीं होती, ना ही ऑफलाइन स्टोर के अंदर ना ही फ्लिपकार्ट और अमेजोन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे टेक विद फन 9368 का, इज इट गुड टू बाय आईफोन 12 64GB इन बीबीडी 2023? अगर आपको 64GB की स्टोरेज वेरियंट चल जाता है देन आईफोन 12 जो एक परफेक्ट डील होगी और सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुमन कुमार का, भाई कैमरा और गेमिंग के लिए चाहिए BGMI खेलने के लिए आईफोन 14 लेने का सोच रहा हूँ, अच्छा रहेगा एंड 55K का बजट है? तो हाँ ऑफ कोर्स आपको कैमरा के लिए भी और गेमिंग के लिए भी दोनों के लिए बेस्ट रहेगा आईफोन 14, BGMI खेलने बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए आईफोन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे समरीन ऑफिशियल, भाई आईफोन 12 बीबीडी सेल में EMI होगा? ऑफ कोर्स होगा, फ्लिपकार्ट के ऊपर आने के ज्यादा चांसेस और वहाँ पे आपको EMI में मिलेगा, नो कॉस्ट EMI के अंदर भी मिल जाएगा आईफोन। तो काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर किया आज की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के, स्टिल अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, काफी सारी वीडियो ऑलरेडी मैं बीबीडी सेल के ऊपर बना चुका हूं, अगर आपका कोई क्वेश्चन उसमें आ रहा हो तो उस वीडियो को डायरेक्टली वहां से देख लेना, आपके सारे क्वेश्चंस वहां पे क्लियर हो जाएंगे। बाकी कोई भी डाउट्स हो अभी भी कह रहा हूं कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे पहले फॉलो कर लेना उसके बाद मुझे DM करना तो मैं आपका आंसर कर देता हूं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।